बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई खुशखबरी के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से। आज FPSC ने अनाउंस किए हैं लेटेस्ट जॉब्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2020, और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की होगी 21 सितंबर 2020। तो जिसने अप्लाई करना है वो इससे पहले पहले अप्लाई कर सकता है। तो केस नंबर 109, सीरियल नंबर 125, लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स, BPS 17 की हैं और इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है। इसके बाद नेक्स्ट 126 सीरियल नंबर पे केस नंबर 110, सिस्टम ऑपरेटर, इसकी वैकेंसी भी 1 है और ये पंजाब के ओपन मेरिट पे है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर BPS 20 की जॉब हैं, मुख्तलिफ हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें 6 हैं और इसके डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट पे 1 है, पंजाब के लिए ओपन मेरिट पे 3 है और सिंध रूरल की ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की भी 1 पोस्ट है। इसके बाद प्रोजेक्ट ऑफिसर BPS 17 की है और इसकी भी पंजाब पे ओपन मेरिट के लिए 1 ही सीट है। इसके बाद असिस्टेंट आर्किटेक्ट, ये BPS 17 की है और इसकी 2 वैकेंसीज हैं, पंजाब वुमेन कोटा की 1 है और 1 AJK के लिए। इसके बाद लाइब्रेरियन की BPS 16 की जॉब्स हैं और वो भी सिंगल सीट है और पंजाब की ओपन मेरिट पे जॉब है। इसके बाद इंस्पेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर, अच्छी जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 62। तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है जिस पे नॉर्मली हर एस्पिरेंट अप्लाई कर सकता है और इंशाल्लाह हार्वर्ड एकेडमी इसकी ऑनलाइन प्रिपरेशन भी ऑफर करेगी। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, सेकंड ग्रेड सी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स, यानी कि आपने बीए किया हुआ है तो बैचलर होना चाहिए। तो और इकोनॉमिक्स आपने अगर पढ़ी है सिंगल सब्जेक्ट के तौर पर भी बीए में, या बीकॉम किया है, कॉमर्स की कोई डिग्री है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, अकाउंटिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, वन ऑफ द सब्जेक्ट इन BSc इंजीनियरिंग, इन एनी BSc इंजीनियरिंग किसी भी कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी अप टू लेवल ऑफ MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल इसमें कवर करना लाजमी होगा, यानी कि इस पे आपकी जानना ज़रूरी है, यानी कितनी आपकी नॉलेज हो। तो ये इतनी परेशानी के बाद नहीं, वो हम तैयारी इसकी करवाएंगे। तो बाकी आप डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी 62 हैं जिसमें मेरिट पे 4 हैं, पंजाब की 31 है और 27 ओपन मेरिट पे हैं, वुमेन के लिए 2 हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए 2 हैं। सिंध रूरल की बात की जाए तो 7 है जिसमें ओपन मेरिट पे 6 और माइनॉरिटीज़ की और नॉन मुस्लिम की 1 कोटा है। सिंध अर्बन की बात की जाए 5 हैं, उसमें ओपन मेरिट पे 4 हैं और 1 वुमेन कोटा है। खैबर पख्तूनख्वा 7 है और 6 ओपन मेरिट पे 6 हैं और माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम के लिए 1 है। बलूचिस्तान की 4 हैं जिसमें जो है वो ओपन मेरिट पे 3 है, वुमेन कोटा 1 का है। एक्स फाटा 2 हैं, ओपन मेरिट पे 1 है और वुमेन के लिए 1 है। AJK की 2 हैं जिनमें 1 माइनॉरिटीज़ के लिए और 1 ओपन मेरिट पे है। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको डिटेल से बता दी। इसके बाद आती हैं एसोसिएट प्रोफेसर BPS 19 के, इसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। तो ये आप देख सकते हैं जिसने इस पर अप्लाई करना हो। असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 17 की जॉब्स आई हैं, परमानेंट पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेकेंड ग्रेड सी, मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट साइंसेज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस या इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिसर्च और ट्रेनिंग इन रेलिवेंट फील्ड है। 22 से 30 तक एज लिमिट है, 5 साल रिलैक्सेशन है और इसमें 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, एक डोमिसाइल कोटा जो है पंजाब की ओपन मेरिट पे 1 एंड बलूचिस्तान ओपन मेरिट पे 1, पंजाब और बलूचिस्तान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल सर्जन की हैं, 1 सीट है। इसके अलावा सर्टिफाइड ऑर्थोटिस्ट
इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये भी पंजाब के लिए है। इसके बाद प्रिंसिपल टेक्नीशियन बायोटेक्नोलॉजी BPS 17 की, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 और ये पंजाब के ओपन मेरिट पे। फार्मासिस्ट BPS 17 की हैं, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये भी पंजाब की ओपन मेरिट पे है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है BPS 17 की है और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, ये सिंध रूरल की है। इसके बाद हेड नर्स BPS 17 की, नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 2 हैं, पंजाब की एक है और एक सिंध रूरल की है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग BPS 18, परमानेंट सेक्रेटरीट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कैबिनेट सेक्रेटरीट इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है सेकेंड ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई GCE, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एक्सपीरियंस एट BPS 17 लेवल, और PhD डिग्री विद 1 ईयर और MPhil डिग्री विद 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च एक्सपीरियंस रेस्पेक्टिवली एट BPS 17 लेवल पे होना चाहिए। और एज लिमिट जो है 25 से लेकर 35 ईयर तक होनी चाहिए और प्लस 5 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन एंड अपर एज लिमिट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और पंजाब की ओपन मेरिट पे आई है। इसके बाद डायरेक्टर 19 स्केल की है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसकी मास्टर डिग्री और इसमें मुख्तलिफ कंडीशन जो हैं वो भी आप डिटेल से देख सकते हैं। इसके बाद है डिप्टी डायरेक्टर रिव्यूअर्स BS 18 की है और टेम्परेरी मे कंटिन्यू इनडेफिनिट, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, पंजाब 1 मेरिट। और इसके बाद है चीफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर है, इसकी BPS 19 की है, परमानेंट है, एकेडमी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी है PhD इन लाइब्रेरी साइंस विद 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है ये भी, ये सिंध रूरल की है, ओपन मेरिट पे है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर है उर्दू स्टेनोग्राफी में और ये BPS 18 की है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। और इसके बाद जूनियर सिविलियन सिक्योरिटी ऑफिसर JCSO, ये है परमानेंट OS डायरेक्टरेट GHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी, रिटायर्ड JCO इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी फोर्सेस के लोग, सेकंड क्लास ग्रेड सी, बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए, HEC से 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होने चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पर, प्लस 5 ईयर्स की जनरल रिलैक्सेशन हो सकती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और ये पंजाब मिनोरिटीज नॉन मुस्लिम इस पर सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट हैं और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 12 है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है BPS 18 की, प्लस इसकी 25% स्पेशल अलाउंस होगा और ये नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, गिलगित बल्तिस्तान के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद चीफ कार्डिक है, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और इस पर पंजाब ओपन मेरिट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऑफिसर इंचार्ज लॉन्ड्री BPS 17 का और नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है और पंजाब ओपन मेरिट पे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पर। उसकी क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। इसके बाद मैनेजर फूड सर्विसेज है BPS 18 की है, परमानेंट AFIC NIHD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसकी क्वालिफिकेशन जो है सेकेंड क्लास सी मास्टर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है पंजाब की ओपन मेरिट पे। इसके बाद है मैनेजर फाइनेंस है BPS 18 की, परमानेंट है AFIC ग्रेड सी मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय HEC, सेकेंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री विद ICMA और CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय HEC, 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंस। इससे 25 से 35 साल तक एज लिमिटेड, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और ये पंजाब की ओपन मेरिट पे। इसके बाद लाइब्रेरियन है BS 18 की, इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, पंजाब की ओपन मेरिट पे। इसके बाद ऑडियो विजुअल कंसल्टेंट है BS 18 की, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है
और ये भी पंजाब की ओपन मेरिट पे है। इसके बाद क्वालिटी मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव है, BS 18 की है, और इसमें क्वालिफिकेशन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 होनी चाहिए, 1 है, और ये पंजाब ओपन मेरिट पे है। डॉक्यूमेंट कंट्रोल ऑफिसर BS 16 की है, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, और ये भी पंजाब की ओपन मेरिट पे है। इसकी जो एजुकेशन बैचलर डिग्री सोशल साइंसेज में होनी चाहिए। और इसके बाद है सिविलियन वर्कशॉप सुपरवाइज़र CWS बायोटेक मेडिकल, BS 16 की, और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, एक पंजाब की और एक रूरल की ओपन मेरिट पे। सेक्रेटरी इंटेंसिव केयर ITC डिपार्टमेंट का, BS 16 की, और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, और ये पंजाब की एक है और सिंध रूरल की एक है। इसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, BS 17 की है, में नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं, पंजाब की एक है और सिंध रूरल की एक है। ये परमानेंट AFIC, NIHD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड क्लास ग्रेड सी, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज, 22 से 30 साल तक एज लिमिट और 45 की रिलैक्सेशन है। इसके बाद है फिजिस्ट रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसकी वैकेंसी है कि पंजाब के लिए, क्लिनिकल डाइटिशियन BS 17 की, इसकी पंजाब की एक सीट है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BS 17, और इसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 5, और पंजाब के ओपन मेरिट पे 3 है, और सिंध रूरल ओपन मेरिट पे 1 है, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है। तो ये थी जितनी भी पोस्ट थी, और इसके बाद यहाँ से हमें मिल जाएगी, क्लोजिंग डेट तो 21 सितंबर है, और यहाँ पे मेंशन होगा कि इसका कब होगा टेस्ट। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर द इंटरव्यू वो एज़ पर प्लान होगा, और यहाँ पे अभी तक मुझे नज़र नहीं आया कहीं डेट का उन्होंने ज़िक्र किया हो। हाँ जी, एडमिशन सर्टिफिकेट है ये जी, 2 नवंबर 2020, यानी कि नवंबर में इसके जो पेपर होंगे उसमें ये इसका जो ऑनलाइन एडमिशन सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, और कंडक्ट ऑफ टेस्ट जो है ये 15 नवंबर से ऑनवर्ड टेस्ट इसके होंगे, और जो जो रजिस्टर्ड ऑफिस सेंटर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पिशावर एंड क्वेटा, वहाँ में होंगे। चेंज ऑफ सेंटर जो है 15 अक्टूबर तक एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट 21 सितंबर है। तो ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, और इसमें एक ही जो पोस्ट है कस्टम इंस्पेक्टर की, उसके लिए आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, और एकेडमी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 0333-570-6226, और आप हमारा व्हाट्सएप प्लस फेसबुक ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।